Like a Hellcat. मैं सुरजीत जाखड़, आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एडिशन ऑफ द वेक्टर, जिसके ऊपर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। आपको ध्यान से सुनना है, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। स्टूडेंट देखिएगा, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन हमारे पास क्या कहता है, ध्यान से सुनना है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हमारा टॉपिक रहेगा, ध्यान से आपको सुनना है। स्टूडेंट एक बड़ा अच्छा डेरिवेशन है जो आपको याद रखना है। ये कहता है स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स है, हमने कहा हमारे पास कोई दो वेक्टर्स है और उनका इनिशियल पॉइंट सेम है। हमारे पास दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट कैसा है, सेम है। ए और बी का इनिशियल पॉइंट सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी है और दोनों की कोई डायरेक्शन भी है, हैविंग सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो स्टूडेंट इनसे पता है मैं क्या कर सकता हूं, इनसे मैं किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड बना दूंगा। ये हो जाएगी हमारे पास ए और ये हो जाएगा हमारे पास बी। तो मैंने पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड बना दी, तो इनका जो रिजल्टेंट जो रहेगा ना हमारे पास, वो रिजल्टेंट जो रहेगा वो डायगोनल के ऊपर बनेगा, लेकिन ऑर्डर क्या रहेगा, अपोजिट ऑर्डर में बनेगा, याद रखना स्टूडेंट। तो हमने कहा दो वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम है, बोथ हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उनका कोई मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, तो उनसे मैं क्या करता हूं, किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड बना दूंगा और उनका रिजल्टेंट जो मिलेगा वो मिलेगा इस डायगोनल के ऊपर मिलेगा, आपको याद रखना है। सबसे बेसिक बात यह होगी, इसी को लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा, इफ टू वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट विद सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विद सम उनका कोई मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन उनका कोई मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, उनका सेम डायरेक्शन भी होना चाहिए, कौन दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, उनका कुछ मैग्नीट्यूड भी और कोई डायरेक्शन भी है, तो इनसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं। देन दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इन सेम ऑर्डर। देखिएगा इनका ऑर्डर सेम रहेगा हमारे पास, तो हमने इससे क्या किया, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड बना दी, इन द सेम ऑर्डर के अंदर रहेगा, बट देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, लेकिन उनका जो रिजल्टेंट बनेगा, बट देयर रिजल्टेंट हम रिप्रेजेंट कर देंगे बाय द डायगोनल, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डायगोनल से, इन द ऑपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर के अंदर हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, बात आपको याद रखनी है। स्टूडेंट ये तो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन होगी कि दो वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम है, उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, तो उनसे हमने क्या किया, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड बना दी सेम ऑर्डर में, लेकिन उनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो डायगोनल पे होगा और जो ऑर्डर रहेगा हमारे पास क्या रहेगा, ऑपोजिट रहेगा। आइए अब हम इसको ड्राइव करते हैं, बड़ा अच्छा कंसेप्ट रहेगा ड्राइव करने के बाद। डिराइव हम लोग इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा आपके पास रहेगा, बताने जा रहा हूं इसको डिराइव हम लोग कैसे करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट हमारे पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर हो जाएगा हमारे पास बी। सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा, मैंने एक कंस्ट्रक्ट कर लिया, ये परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ये हो गया पी क्यू एस और टी, मैंने इसको नाम दे दिया, ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा बीटा। देखिएगा मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ये जो एस टी है परपेंडिकुलर मैंने कर दिया किसके ऊपर, पी एस के ऊपर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ मैंने कर दिया, याद रखना है। तो स्टूडेंट कभी भी आपको पैरेललोग्राम लॉ डिस्कस करना तो आपको तीन केसेस डिस्कस करने हैं, अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा। अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने तीन बार ये ट्रायंगल लेनी है, सबसे पहला काम यह है ट्रायंगल TQS और TQS, इस ट्रायंगल को मैं तीन बार लूंगा, तो पहले मैंने लिखा ट्रायंगल TQS, मैं यहां लिखूंगा ट्राइंगल TQS और मैं यहां लिखूंगा ट्राइंगल TQS, इस छोटे वाली ट्राइंगल को मैं तीन बार लूंगा। सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसके अंदर से मैंने QS निकालना है, ये तो QS by TQ, याद रखना TS by TQ, बेस अपॉन हाइपो, ये हमारे पास बनेगा
qs by tq is equal to cos of theta. अगर ये हम लोग वेक्टर में लेके चलेंगे सारा, अगर मैं qs की बात करूंगा तो इधर चला जाएगा tq cos of theta, लेकिन हमारे पास tq है कितना a, तो आपको याद रखना है qs क्या हो जाएगा a cos of theta, ये आपको याद रखना है, तो ये आंसर. दूसरा मुझे चाहिए ts, ये ts, तो हम लोग क्या करेंगे ts by given क्या है tq is equal to साइन थीटा. अगर हम लोग टी एस फाइंड आउट करेंगे तो ये इधर मल्टीपल में चला जाएगा टी क्यू साइन थीटा. अब टी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू जो हमारे पास रहेगी ये रहेगी ए साइन थीटा. दूसरी वैल्यू आपको ये याद रखनी है. अब मुझे लगा ना पहला लोग हम लोग ट्रेडिशन के अंदर पाइथागोरस थ्योरम इस छोटे ट्रायंगल के, तो देखिएगा टी क्यू का स्क्वायर बराबर किसके होगा क्यू एस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम आपको आती है सबको, और ये रहेगा एस टी का स्क्वायर. मैंने ये लगा दिया. सबसे बेसिक पहला काम आपका यही है, आपने ट्रायंगल से दो तो निकालनी है साइड्स, ठीक है ना, और हमारा जो गिवन नहीं है वो साइड्स हमारे पास निकालनी है, और हमें चाहिए पाइथागोरस थ्योरम हमें लगानी है, याद रहेगा. अब स्टूडेंट मुझे चाहिए बड़ा ट्रायंगल पी टी एस, मैं इसकी बात करता हूं ट्रायंगल पीटीएस, तो आपको याद रखना है ट्रायंगल पीटीएस की अगर हम लोग बात करें पीटीएस, तो इस ट्रायंगल पीटीएस के अंदर देखिए क्या होगा, ये पीटी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम यहां लगाएंगे, पीटी का स्क्वायर बराबर होगा पीएस का स्क्वायर प्लस टीएस का स्क्वायर, ये साइड प्लस इसका स्क्वायर, तो याद रखना बराबर रहेगा पीएस का स्क्वायर प्लस टीएस का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा. अब आप जानते हैं ये पीएस कितना है पीक्यू प्लस क्यूएस, तो यहां मैं लिखूंगा पीएस की जगह पीक्यू प्लस क्यूएस का स्क्वायर प्लस टीएस स्क्वायर, मैंने ये लिख दिया इसको ये प्लस ये. अब इसमें फॉर्मूला आइडेंटिटी लगा दो आप लोग ए प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी, और ये रहेगा टी एस का स्क्वायर. स्टूडेंट इसका स्क्वायर हटाएंगे तो मैं इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, मैं लगा दूंगा रूट. अब आप ये देखिएगा पी क्यू स्क्वायर, देखिए यहां से क्यू एस स्क्वायर और एस टी स्क्वायर, देखिए क्यू एस स्क्वायर और एस टी स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, ये रिजल्ट टी क्यू के बराबर होगा, तो इन दोनों के स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, देखिएगा ये तो पी क्यू का स्क्वायर आएगा सेम, इन दोनों की जगह मैं क्या लिखूंगा टी क्यू का स्क्वायर, फिर यहां से टू पी क्यू इंटू क्यू एस का रूट, ये रिजल्ट हमारे पास बनेगा. सो रिजल्टेंट की बात हो रही है तो मैं बराबर में लिखूंगा आर, ठीक है. अब पी क्यू कितना देखिएगा, पी क्यू ये हमारे पास हो गया वेक्टर ए का स्क्वायर, टी क्यू कितना है हमारे पास टी क्यू ये वाला सॉरी ये हमारे पास कितना है, इसको हमने बी माना है, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा पी क्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, पी क्यू हो जाएगा हमारे पास वेक्टर बी का स्क्वायर, टी क्यू कितना हो जाएगा हमारे पास वेक्टर ए का स्क्वायर, फिर प्लस में टू पी क्यू कितना है देखिएगा बी, और ये ए वेक्टर, और हमारे पास क्या रहेगा साथ में ये कितना रहेगा हमारे पास, यहां से देखिएगा आप लोग ये टी साइन थीटा था हमारे पास, ये हो जाएगा कोस, तो मैं इसके साथ लगा दूंगा कोस ऑफ थीटा, ये रिजल्ट आपको याद रखना है. तो सर हमारे पास देखिए पी क्यू कितना हो गया हमारे पास बी हो गया, टी क्यू कितना हो गया ए हो गया, और हमें चाहिए क्या उसके बाद बचा हमारे पास यहाँ पे ये भी हो गया क्यू है, और कितना हो जाएगा हमारे पास ए कॉस ऑफ थीटा, याद रखना है. तो स्टूडेंट ये हमारे पास रहेगा रिजल्टेंट. अब हमें फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन, तो स्टूडेंट डायरेक्शन देखिए कैसे फाइंड आउट होगी, मैं डायरेक्शन बताने जा रहा हूं आप लोगों को यहां से. तो डायरेक्शन के लिए आप जानते हैं कि मुझे ट्रायंगल लेना पड़ेगा दोबारा से पी टी एस, मैं डायरेक्शन की अगर बात करूंगा तो मुझे ट्रायंगल क्या चाहिए ट्रायंगल पी टी एस, तो डायरेक्शन आप जानते हैं टेंजेंट में निकलेगा, तो आप लोग लिखोगे टेंजेंट बीटा किसके बराबर होगा टी एस बाई पी एस, तो मैं लिखूंगा टी एस बाई पी एस, ये टी एस हो गया वेक्टर, ठीक है. अब देखिएगा पी एस किसके बराबर है पी क्यू प्लस क्यू एस, तो यहां मैं लिखूंगा पी क्यू प्लस क्यू एस में इसके बराबर लिख दूंगा, ये साइड इसके बराबर था, ये इन दोनों का एडिशन हो गया, ये याद रखना है. अब यहां से देखिएगा हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, तो ये हो गया टेंजेंट बीटा. अब देखिएगा टी एस हमारे पास कितना है टी एस ए साइन थीटा, मैंने इसको लिखा ए साइन थीटा, उसके बाद पी क्यू कितना हमारे पास है पी क्यू
हमारे पास होगा b और हमारे पास qs कितना रहेगा, a cos ऑफ थीटा, याद रखना है a cos ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास डायरेक्शन रहेगी, याद रखना है, सिंपल सी बात है। अगर आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। ध्यान रहेगा स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक था, अगले वीडियो के अंदर हम किसी और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।